दोस्तों, आज से हम राजस्थान में स्थित सभी आयोगों को जानेंगे। इनके क्वेश्चन हर एग्जाम में करीब करीब पूछे ही जाते हैं, इसलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे राजस्थान लोक सेवा आयोग। दोस्तों, इसे RPSC कहा जाता है। इसकी स्थापना 16 अगस्त 1949 को अध्यादेश जारी करके की गई थी, परंतु राजपत्र में प्रकाशन 20 अगस्त 1949 को हुआ था। अतः 16 अगस्त व 20 अगस्त दोनों डेट्स ही राजस्थान स्थापना दिवस में काउंट होती है। RPSC के प्रथम अध्यक्ष SK घोष थे एवं वर्तमान अध्यक्ष भूपेंद्र यादव है। दोस्तों, इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पहले हो होता है और यह 1+7 सदस्यीय आयोग। दोस्तों, राजस्थान के राज्य सचिवालय के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। राज्य सचिवालय भवन जयपुर में है और इसकी स्थापना 1949 में की गई थी। दोस्तों, राज्य सचिवालय के दो प्रमुख होते हैं, एक होता है राजनीतिक प्रमुख और दूसरा प्रशासनिक प्रमुख। राजनीतिक प्रमुख राज्य का मुख्यमंत्री होता है, यानी हमारे राज्य के सचिवालय के राजनीतिक प्रमुख हैं मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत, और प्रशासनिक प्रमुख की बात करें तो श्री निरंजन आर्य है। दोस्तों, ये प्रशासनिक प्रमुख सबसे बड़े प्रशासनिक अधिकारी होते हैं और ये राज्य का प्रशासनिक रूप से संचालन करते हैं। दोस्तों, इनका कार्यकाल मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत यानी कि मुख्यमंत्री की इच्छा पर डिपेंड करता है। दोस्तों, राजस्व मंडल राजस्थान के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। इसकी स्थापना का अध्यादेश अप्रैल 1949 को जारी किया गया था, परंतु स्थापना 1 नवंबर 1949 को जयपुर में की गई थी। दोस्तों, वर्तमान में राजस्व मंडल का मुख्यालय अजमेर जिले में है। यह जयपुर से 15 नवंबर 1958 को अजमेर में स्थानांतरित कर दिया गया था। दोस्तों, इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं R. वेंकटेश्वरन। दोस्तों, इस वीडियो में हम केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी के बारे में जानेंगे। काजरी का मुख्यालय जोधपुर जिले में है एवं इसके क्षेत्रीय कार्यालय जैसलमेर, बीकानेर, भुज, पाली और लेह में है। दोस्तों, काजरी की स्थापना 1952 में मरुवनीकरण नाम से की गई थी, लेकिन 1957 में इसका नाम परिवर्तित करके मरुवनीकरण एवं मृदा संरक्षण कर दिया गया था और इसका वर्तमान नाम काजरी 1959 में किया गया है। दोस्तों, काजरी विभिन्न कृषि जलवायु स्थितियों में स्थान आधारित कृषि समस्याओं के निराकरण के लिए गठित एक अनुसंधान संस्था है। दोस्तों, इस वीडियो में हम राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के बारे में जानेंगे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना 9 दिसंबर 1957 को की गई थी। इसका मुख्यालय अजमेर में 1961 में बनाया गया, वहीं 1973 में वर्तमान बिल्डिंग की स्थापना की गई है। दोस्तों, इस आयोग में 36 सदस्य होते हैं एवं एक अध्यक्ष होता है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं DP चारोली। दोस्तों, इस वीडियो में हम सबसे महत्वपूर्ण आयोग राजस्थान वित्त आयोग के बारे में जानेंगे। दोस्तों, इस आयोग से हर एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता ही है। राजस्थान वित्त आयोग की स्थापना 1955 में अनुच्छेद 243 आई के अनुसार की गई थी। इसकी स्थापना पंचायत व नगर पालिका क्षेत्रों में राजस्व की प्राप्ति एवं वितरण के लिए की गई थी। दोस्तों, इसके वर्तमान अध्यक्ष जो कि छठे वित्त आयुक्त हैं, ये हैं प्रद्युमन सिंह, वही प्रथम वित्त आयुक्त कृष्ण कुमार गोयल थे। दोस्तों, इस वीडियो में हम राजस्थान निर्वाचन आयोग के बारे में जानेंगे। राजस्थान निर्वाचन आयोग की स्थापना आर्टिकल 243K के अनुसार जुलाई 1994 में की गई थी। दोस्तों, इसके अध्यक्ष को मुख्य निर्वाचन अधिकारी कहा जाता है और वर्तमान में मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण गुप्ता हैं। इनका कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो होता है। वहीं राजस्थान के प्रथम निर्वाचन अधिकारी थे अमर सिंह राठौर। दोस्तों, इस वीडियो में हम राजस्थान महिला आयोग के बारे में जानेंगे। दोस्तों, राजस्थान महिला आयोग की स्थापना का उद्देश्य महिलाओं के हितों की रक्षा करना था। इसकी स्थापना
15 मई 1999 को हुई थी। दोस्तों, राजस्थान महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कांता कथुरिया थी, वहीं वर्तमान में यह पद खाली पड़ा है। लेकिन अगर हम लास्ट की बात करें तो ये सुमन शर्मा थी। दोस्तों, इस वीडियो में हम राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में जानेंगे। राजस्थान मानवाधिकार आयोग की स्थापना या गठन 18 जनवरी 1999 को किया गया था, परंतु कार्य प्रारंभ मार्च 2000 से शुरू हुआ था। दोस्तों, इसकी प्रथम अध्यक्ष कांता भटनागर और वर्तमान अध्यक्ष गोपाल कृष्ण व्यास है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले हो होता है। दोस्तों, मानवाधिकार आयोग 1+2 सदस्यीय आयोग है। दोस्तों, इस वीडियो में हम राजस्थान सूचना विभाग के बारे में जानेंगे। राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना RTI एक्ट 2005 के तहत 18 अप्रैल 2006 को की गई थी। दोस्तों, इसके प्रथम अध्यक्ष MD कोरानी थे, वह वर्तमान अध्यक्ष TB गुप्ता है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले होता है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।